वो लड़की की माँ, वो लड़की की चाची और आप लड़की के बाप। परफेक्ट सर। तुझे तो सब पता है। मैं हूँ खबरी लाल, हर बात की खबर रखता हूँ, सबको स्कैन करता हूँ। ड्यूटी ओवर सर। आराम का वक्त हो गया है, मूव। पीछे मूव। अरे सबसे मिल लिया, मेरे दामाद से तो मिल ले। सने। आज्ञा ससुर जी। खबरी लाल हो गई ना बत्ती गुल, देखिए फूल है ना कूल। नमस्कार खबरी जी। इसे स्कैन करता हूँ। पहुंची हुई हस्ती है, पूरी झोल पार्टी है, इससे बच के रहना पड़ेगा। करेक्ट है। तेरा भांडा तो मैं फोड़ूंगा और मैं तुझे। सर फ्लाइट पकड़ना है सर। मैं फ्लाइट नहीं पकड़ूंगा, किसी और को पकड़ूंगा। नौटंकी साला। क्यों साले साहब, मेरा दामाद है ना हीरा। तुझे भले ही वो हीरा लगता हो पर मुझे पता करना है वो किस खान से आया है। खबरी लाल की इंक्वायरी शुरू। यो। बोलो सनी। अर्जेंट बालकनी के पीछे वाले बरामदे में आ जाना, ठीक है? ठीक है। मैं भी आऊंगा। सनी मेरी आँख में कुछ गया है। अच्छा? देखो। मुझे लगा है मेरी भांजी को झांसा दे रहा है, पर ये तो कंफर्म आशिक है। कैसा लग रहा है? सुपर सनी। मैं मामा होकर इनकी जासूसी कर रहा हूँ, पर कहीं ये लोग सच में तो मुझे मामा नहीं बना रहे। श्रुति बोलो सनी, मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? मुझे तुमसे मुझे एक्चुअली वो क्या है ना श्रुति, मुझे कुछ हो रहा है। श्रुति क्या हो रहा है? क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है कि क्या हो रहा है कि क्या? अबे ओए, सीरियल किलर तो बहुत देखे, ये तो सीरियल किसर है। मेरी नाजुक सी भांजी पर रहम कर। ओए सनी छोड़ देना, रहम कर, मेरी कोमल सी भांजी बहुत नाजुक है, सच में मुझ पर गई है, छोड़ दे रे पगले। अरे बाप रे सनी, तू शराफत की मूर्ति नहीं, बहुत ही टेढ़ा है। जानू। अरे हाय जानू। निकलो। डैड, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? हम बलवंत के दामाद सनी को किडनैप करने आए हैं। ओह अच्छा। अब ये प्लान काम कर गया ना तो मैं। सनी तुम ही हो ना? रुक बे, पर हुआ क्या? बलवंत के दामाद तुम ही हो? ए टाइम प्लीज, उसका दामाद मैं नहीं हूँ, भवानी। ये नहीं भवानी। करना क्या है? किडनैप। पर कैसे करोगे? ऐसे। पागल क्या क्या तूने? चलो डैड। अरे डैड। एक बात समझ में नहीं आई, ठीक है मैं समझाता हूँ। ये साला सनी दो दो मिनट में दो दो लड़कियों को किस करता रहता है। स्कैन करना पड़ेगा। ये कलर मुझे पसंद। नहीं, उसने दिया। उस सनी की तरह ये भी पहुंची हुई चीज है, उसने इसे किस दी और इसने इसे फूल दिया, जरूर कुछ गड़बड़ है। कौन है? कपड़े बदल रहा हूं। प्यारी श्रुति, मेरी प्यारी श्रुति। मेरी दरवाजा खोलो, जल्दी करो बेटा।
इतना टाइम क्यों लग रहा है, जल्दी करो। टेंशन मत लो, मैं दरवाजा खोलो, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे अरे ठीक तो है, छुप जाओ, नीचे जाओ। इतना टाइम क्यों लगा रही बेटी? सनी और श्रुति तो हटके हैं, शर्मिली भी है। टोटल गड़बड़। क्या हुआ बेटा, तुम क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं पिताजी। मुझे ऐसा लगा कि कोई तुम्हारे कमरे में आया है। यहाँ यहाँ तो कोई नहीं। क्या हुआ ससुर जी? कुछ खास नहीं दामाद जी, मुझे ऐसा लगा कोई कमरे में घुस आया है। क्या बात कर रहे हो, अंदर कोई घुसा है? अब भी उसके ढूंढ के निकालता हूँ, काट के फेंक दूंगा, बाथरूम में देखता हूँ। ससुर जी बाथरूम में तो नल भी नहीं है, इसके नीचे कबर्ड में होना चाहिए शायद। भगवान, कबर्ड में तो कुछ भी नहीं है, डाउट है तो आकर देख लो ना। हाँ, तुम देखो मैं देखूं, एक ही बात है, चलो। ओके, अब क्या बचा है? सनी, तुमने खटे के नीचे नहीं देखा? टुकले। ध्यान से सुनो बेटा, दरवाजा बंद रखना, टाइम बहुत खराब चल रहा है। अब तेरा वस्त्र हरण होकर ही रहेगा। ससुर जी, क्या हुआ दामाद जी? बेड के नीचे कुछ भी नहीं है। फिर चिल्लाया क्यों? मुझे लगा कि आपको ऊंचा सुनाई देता है। मेरे कानपुर में हड़ताल नहीं। अच्छा ठीक है, चलिए जाइए अपने रूम में जाइए। आधी रात को डायरेक्ट बिस्तर के नीचे है, अच्छी सेटिंग है। सुनो, क्या वो मुझे यहाँ आई लव यू कहने आया है? अभी तो वो थैंक्स कहेगा, कल आई लव यू बोलेगा। कितनी खाई है, इनका हो जाए मैं छूट जाऊंगा। यहाँ कोई भी नहीं है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाहर आ जाओ। कुछ कहोगे नहीं तुम मुझसे? थैंक्स। सनी हमेशा ही सही बोलता है। अरे बाप रे, मेरे इंटेलिजेंट दिमाग को भी कंफ्यूज कर दिया। कोई बात नहीं, यहाँ रहकर इस लफड़े को मैं ही सुलझाऊंगा। इला, शादी की तैयारियां शुरू भी हो गई। अरे वाह वाह वाह, मेरी भांजी की शादी है, जल्दी चलो चलो। अरे तुम लोगों ने कुछ खाया भी है कि नहीं? अरे पंडित जी मंत्र जरा जल्दी पढ़ना, पैसे लिए ना। भैया मैं आ गई। अरे हमारा हीरो कहाँ है? अरे तुम विलन की तरफ क्यों देख रही हो, सामने खड़ा है ना। ओ वाह, ये तो बहुत हैंडसम है, मुझे पहले मिला होता तो मैं शादी कर लेती। बस करो, खबरी बुरा मान जाएगा, जाओ अंदर काम पे लगो। हाँ उसी के लिए तो आई हूँ, चलो री। क्या करूँ अब? क्या हुआ सनी, टेंशन में लग रहा? ओह भवानी मुझसे आई लव यू कब कहेगा? टेंशन मत लो, मुझे तुम पर पूरा कॉन्फिडेंस है। मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है। ये क्या है? देख सेलफोन है। सेलफोन नहीं, इसके अंदर देख। 100% लव है। क्या होता है ना, पहले मेहर को समझने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तुम्हारे आंखों में देखकर आई लव यू बोलते। तुम्हारा प्लान सुपर हिट है। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है भाई? इस सॉन्ग का ये सिचुएशन से क्या वास्ता है भाई? है भाई, डेफिनेटली है। उस दिन हमारी मालकिन मटकते हुए सीढ़ियों से उतर रही थी। मालकिन कितनी खूबसूरत है ना। मालिक, तेरी बहुत हिम्मत बढ़ गई। अगली बार मेरी बेटी का तुम्हारी सुबह पे नाम नहीं आना चाहिए, वरना वरना मैं तुम्हें काट डालूंगा। मैं गुंडा हुआ तो क्या हुआ, मेरी भी कोई फीलिंग्स है। तभी तभी मैंने मन्नत मांगी कि मालकिन का पति हमसे और उनके पिताजी से भी बढ़कर कोई गुंडा होगा, और तभी तुम आ गए। दिल अपसेट हो गया, लेकिन नहीं, भवानी ने जैसे ही एंट्री ली मेरा दिल खुश हो गया। मेरे पास मालकिन और भवानी के बहुत से वीडियोस हैं, जिन्हें अब मैं सीधे मालिक को दिखाने वाला हूँ। तुम खुश हो ना, इससे तुम्हारा भी काम बन जाएगा। तो चलता हूँ। टकले, आज मैं बहुत खुश हूँ। सनी, फर्स्ट टाइम तेरे चेहरे पर कॉन्फिडेंस की जगह कंफ्यूजन देखा है। आई लाइक दिस फेस। तेरी शर्मिली से शादी होना तो पक्का है, और तुझे खुशखबरी दे दूं कि श्रुति अब तेरे लिए नहीं मेरे लिए पागल हो गई है। वी आर इन लव। क्या रे हकले, तूने श्रुति को आई लव यू कहा है? नो। क्या श्रुति ने तुझे आई लव यू कहा? नो।
तो फिर ये शर्ट और स्कार्फ किस काम का? पहले उसे आई लव यू बोल और फिर उसका रिएक्शन आके मुझे बताना। नो आई लव यू बोलूंगा। कहाँ गई श्रुति? श्रुति श्रुति असली लव स्टोरी तो हमारी है। वो तो खामखा बीच में आ गया। आज तक मैंने तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बताई, लेकिन आज कहता हूँ। यही कि मैं तुमसे श्रुति है कि शर्मिली छोड़ो छोड़ो ना। एक्चुअली मुझे इतनी आसानी से तुम्हें आई लव यू नहीं कहना था, पर मैं भी शाहरुख खान का बड़ा फैन हूँ तो उसकी तरह बोलूंगा, क्योंकि वो भी कभी कभी हकलाता है और मैं भी हकलाता हूँ। आई लव यू। मैंने तो अपने दिल की बात कह दी, तुम भी शादी की तैयारी कर लो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आखिर कह ही दिया, आई लव यू टू। क्या हुआ बेटी, तुझे इतना खुश मैंने पहले कभी नहीं देखा। बता ना आखिर बात क्या है। पिताजी, हाँ? ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। तुझे तेरा प्यार मिल गया। अब बच के कहाँ जाएगा? ताले बिना ना। थोड़ा और ले। और नहीं खाया जाता पिताजी। थोड़ा सा। बस कीजिए ना भैया। आपने जितना खिलाना था खिला दिया। इतना लाड़ प्यार मत करो कि कल ससुराल ही ना जाए। अरे अपनी लाडली को अपने हाथों से आखिरी बार खिला रहा हूँ। देखा ससुर जी, मैंने आपसे कहा था ना शादी 10 दिन बाद करवाइए। अब देखो इस घर में कितनी खुशियाँ हैं। शर्मिली को भी आनंद हुआ है। होगा क्यों नहीं, ये इसके पीछे की सच्ची वजह थोड़ी ना जानते हैं। अब तू बता या फिर मैं बताता हूँ कि इस घर में आखिर हो क्या रहा है। साले फिर शुरू हो गया। चुप हो जाइए। क्या हुआ सनी, बोलती बंद पड़ गई? सांप सूंघ गया क्या? हम दोनों बीच में क्यों पड़ रहे हैं? शर्मिली बताएगी। शर्मिली, तुम्हारी पसंद पिताजी को बताओगी ना? बात ये है, मुझे लगा 10 दिनों में अगर मेरी सनी से शादी नहीं हुई तो मेरी जिंदगी खत्म ही हो जाएगी। पिछले 10 दिनों में सनी ने मुझे इतना सिखाया, इतना प्यार दिया कि क्या कहूँ। मेरी जिंदगी में अगर सनी नहीं आता तो मैं प्यार का असली मतलब कभी समझ ही नहीं पाती। तब मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं थी, बस सनी को पति के रूप में देखना चाहती थी। मैं आज भी वही चाहती हूँ, मुझे सनी से ही शादी करनी है। पिताजी, सनी मेरा पति बनेगा।